बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जैसे कि रात की बारिश बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है, इस टाइम भी बारिश हो रही है, जैसे कि सैलाब वाली बारिश होती है, बहुत बारीक किस्म की इस टाइम बारिश हो रही है। लेकिन रात को बहुत तेज़ बारिश थी, सारी रात बारिश हुई है। तो ये देखें बारिश के, मैं आपको, ये हमारे घर के पास जो है नदी है, तो वो फुल पानी की इस टाइम भरी हुई है। तो ये देखें कैसे पानी जा रहा है, और जो घास फूस होती है वो भी उखाड़ के ले जा रहा है। हम जो चावल और दाना डालते हैं तो इस टाइम बर्तन से निकाल के वैसे दीवार पे डाल दिए हैं, क्योंकि बर्तन में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो पानी इकट्ठा होने से उसका जो दाना है वो डूब जाता है, तो उनको मुश्किल हो जाती है। तो ये देखें चिड़िया आती है और दाना खा जाती हैं। तो मैं अपनी सब बहनों को, बेटियों को कहूँगी कि ये जो है ना, ये सदका जारिया होता है, ये चिड़ियों को परिंदों को ज़रूर दाना वगैरह डालना चाहिए, इसलिए कि इनने कौन सा खुद पका के खानी है, इन्होंने हम डालेंगे तो वो खाएंगे, तो ये सदका होता है, सदका जारिया, इसको जारी रखना चाहिए। तो आप भी डालें कहीं ना कहीं, थोड़ी बहुत जगह जहाँ मिले आप चिड़ियों को बरसात के मौसम में लाजमी दाना वगैरह डालें, ठीक है। और गर्मी में पानी भी डालें, हमने पानी भी डाला होता, दाना भी डाल, जैसे हमको भूख लगती है हम पानी भी जाते हैं पिए, खाना भी खाना जाते हैं, इसी तरह परिंदे भी ऐसे ही होते हैं, तो उनकी भी ख्वाहिश होती है पानी की और खाने की, तो उनको ज़रूर डालें, क्योंकि आजकल बारिशें हैं, हर चीज़ जो है पानी में डूब चुकी होती है, तो इन्होंने कहाँ से ढूँढना होता दाना वगैरह, तो हमें खुद ही इनका ख्याल करना चाहिए। तो ये हमारे वैसे भी माहौल को खूबसूरत बनाते हैं परिंदे पौधे, तो इनको ज़रूर ख्याल करें। तो जी जी पौधे हैं जो नींबू के लगाए थे, इनको फूल लगने शुरू हो चुके हैं, तो इसको तो अभी काम है। तो ये मेरे मिर्चों के पौधे हैं, ये देखें कैसी मिर्चें लग रही हैं, माशाल्लाह अब इसको मिर्चें स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये देखें, ये देखें, तो ये भी देखें, ये बस मिर्चें बन रही हैं अब, तो माशाल्लाह ये देखें, ये एक मिर्च रेड हो चुकी है, अब काफ़ी मिर्चें बन रही हैं। तो ये मोतिया का फूल है, तो ये तारने वाले हुए हैं, पुराने हो चुके हैं, काफ़ी दिनों के तारे नहीं हैं। तो ये देखें ये वाइट बोगन है, तो बारिश ज़्यादा शुरू हो रही है। तो ये देखें ये लेमन ग्रास है, बहुत बारीक और छोटे से तिनके मिले थे, तो मैं दो तीन ला के लगा दिए, तो ये माशाल्लाह अब सही हो रहा है, अपने जोबन पे है। तो ये देखें ये एलोवेरा है, ऊपर छत पे बहुत ज़्यादा पड़ी है, लेकिन एक पौधा मैंने ज़रूरत के लिए इधर नीचे भी रखा हुआ है। तो ये देखें दूसरा जो नींबू का पौधा है, इसके ऊपर फूल देखें, करीब से दिखाएं, देखें, और ये पौधों में पानी जो है वो खड़ा हो चुका है, इसको निकाल लूँगी, लेकिन बारिश का पानी तो इनको खाद का काम करता है, पौधों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है बारिश का। हम साल भर भी पानी देते रहें तो वो रिज़ल्ट नहीं आते, जो ये चंद दिनों में बारिशों के पानी से पौधों में जान पड़ती है। तो ये है जी तुलसी का पौधा, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है, ये जेट प्लांट है, इसको भी ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती। अच्छा जी, वो मैंने गैलरी का हिस्सा दिखाया था बाहर वाला, तो ये मैं टीवी लान में जो क्यारी रखी हुई है उसमें मैंने कैक्टस के पौधे लगाए हुए हैं, तो ये देखें कैक्टस के पौधे माशाल्लाह अच्छे हुए हैं। तो ये पौधा मैं लाई थी, इसके साथ ये देखें छोटे छोटे पौधे जो हैं निकल रहे हैं। तो ये पौधे आपको पता है कि कैक्टस के पौधे ज़रा रेट ज़्यादा होता है इनका, तो ये जब निकल आते हैं साथ पौधे ये छोटे छोटे, तो फिर ये अच्छे लगते हैं हमें, जो पौधों के शौकीन लोग होते हैं उनको पता है कि कितना ये प्यारा होता है पौधों के साथ प्यार करना। तो ये कैक्टस का पौधा ये देखें, इसको तो फूल लगते हैं, मैं शायद किसी वीडियो में बहना को दिखाए हों, तो ये मैंने लैदा करके लगाए थे, ये देखें ये अंदर से नई कॉम्प्लेक्स की निकली हैं,
ये ऊपर से देखिए। और तो कैक्टस के पौधे मेरे पास बहुत पुराने हैं। तो ये जी हमारे पैरट हैं, इनको भी हम शायद ज़्यादा करें और पिंजरा बड़ा बना के तो इनको बढ़ाएंगे। अभी तक ये दो ही हैं क्योंकि तो पिंजरा छोटा है, इसमें इनका जो वो होता है घर नहीं बनाया इसके अंदर। तो ये हमारा जो छोटा नामलूत था, अब ये माशाल्लाह जवान हो रहा है। ये देखें, ये भी बैठा हुआ है अपने। जब मौसम अच्छा होता है तो परिंदे भी एंजॉय करते हैं मौसम को, तो ये देखें खुश हो रहे हैं। तो अच्छा जी, आज पौधों का काम शुरू किया तो क्योंकि मैं पौधे दिखाए अपनी बहनों को, तो ये मैं पौधों पे एंड करती हूँ। ये है जी ट्यूलिप के बल्ब, तो ये मंगाए इस्लामाबाद से। तो ये देखें इनकी कोंपलें जो है निकल रही हैं, ये देखें। तो ये लगाएंगे क्योंकि ये मौसम बहुत अच्छा है जो है चीज़ें लगाने के लिए, पौधे बीज ये लगाने के लिए बहुत बेस्ट मौसम है। तो इसको लगाएंगे हम। तो ये आपको पता है कि ये इधर नहीं थे होते, ये बाहर के पौधे होते हैं, फूल बहुत प्यारे लगते हैं इनको। अब मुझे ये नहीं इलम कि ये किस कलर के आए हैं क्योंकि वाइट येलो और रेड फूल होते हैं इनके। तो ये देखें लगाएंगे तो पता लगेगा कौन से ये कलर के फूल हैं इनको लगते। तो ये मंगाए थे इस्लामाबाद से जी। तो ये पैक है जो ये देख लें। तो और मेरी बहनों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो देखें, और अगर जो शौक़ रखते हैं पौधों का वो ज़रूर लाइक करेंगे। तो अल्लाह ताला मेरी सब बहनों को खुश व खुर्रम रखे, मेरे सब जो हैं यूट्यूबर उनको अल्लाह कामयाबियां अता करे और अपने घरों में खुश व खुर्रम रहें। अल्लाह उनको बच्चों के खुशियां देखने नसीब करें, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं अल्लाह उनको भी सेहत तंदरुस्ती दे। तो आज की मेरी वीडियो इतनी थी, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। खुदा हाफिज़।